हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भाई सारी बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके स्कूल के टेस्ट में या फिर एग्जाम में। तो भाई हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन जो आपको दिलाएंगे बढ़िया नंबर, फुल नंबर। और भाई जो लोग कर रहे हैं तैयारी नीट की है, जेई की है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उनके लिए भी भाई ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, तो ये आपको करना मस्ट है। तो भाई ये कुछ सीरीज आपको करनी है, ये करनी है, देखनी नहीं है, केवल करनी भी है। साथ में कॉपी पेन लेके बैठे यहाँ पे, साथ में करें। और हम लोग यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी बेसिक थ्योरी रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग आपकी पूरी करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें लॉज ऑफ मोशन चल रहा है हमारा, इसका चैप्टर ये जो है सीरीज लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक्स और फ्री बॉडी डायग्राम। FBD मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब होता है किसी बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप बनाते हो, तो बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ हमने जो है पुली वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है इसके बारे में, आज हम जो है और डिस्कस करेंगे FBD के बारे में, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं, इससे क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं सीधा ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं कि आपने ब्लॉक जो है कनेक्टेड किए हुए हैं और आपको जो है इसमें टेंशन निकालनी होती है, एक्सटेंशन निकालनी होती है, वो सब आपको निकालना होता है। तो ये हमें करना है। जैसे क्वेश्चन है इसमें 4 ब्लॉक हैं आपके, चारों के मास सेम है, और ये एक फोर्स एफ इस पे लग रहा है कोने में, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, और आपको बताना है टेंशन T1, T2 और T3 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाना पड़ेगा, वहां से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो एम ब्लॉक है, पहले एम को लेते हैं। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, जैसे एम का बना रहा हूं मान लो, तो एम पे फोर्स क्या लगेगा, T1। आप कहोगे सर MG भी लग रहा है, MG नॉर्मल एक्शन लगेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर और MG नीचे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन होता है और MG होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो फोर्स बना रहा हूँ वो सब मैं एक्स में बना रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा फोर्स एक्स में है, एक्सेलरेशन भी एक्स में हो रहा है। तो मैं अभी जो भी बात करूंगा सारी एक्स वाली करूंगा, वाई वाली बात नहीं कर रहा अभी मैं। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन है वो T1 है। अगर मैं एम की, दूसरे वाले एम की बात करूं, बीच सेकेंड नंबर वाले की, मान लो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना, छुटका उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है, तो फोर्थ है। तो फर्स्ट सेकेंड वाले की मैं बात करूं जब, तो सेकेंड वाले पे जो एम पे जो फोर्स लग रहा है T2 इधर को है, और इस पे क्या ये वाली रो फोर्स नहीं लगाएगी, ये वाली रो फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी, ये वाली रो फोर्स बिल्कुल लगाएगी, कनेक्टेड है तो लगाएगी। अब किधर को लगाएगी फोर्स, ये देखो इस वाले ब्लॉक को, ये T1 से इधर को खींच रही है रो, रो केवल खींच सकती है, रो धक्का नहीं मार सकती। तो रोप अगर इसको T1 से यहां खींच रही है, तो इस वाले को भी T1 से पीछे खींच रही होगी। रोप जो होती है वो दोनों साइड को खींचती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मान लो हमने कोई ब्लॉक जो है छत से टांग दिया, तो जो रोप होगी उसका एक एंड जो है इस ब्लॉक को खींच रहा होगा ऊपर की तरफ, और एक एंड जो है छत को खींच रहा होगा नीचे की तरफ। तो ऐसे यहां पे भी होगा कि टेंशन जो है इस पे यहां पे लग रही होगी। तो इस पे जो टेंशन लग रही होगी वो यहां पे T1 लग रही होगी, क्योंकि ये वाली रोप है तो T1 लिखेंगे इसमें। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा आएगा, उसमें 2 फोर्सेस आएंगे, T1 और T2, ध्यान रखिएगा। ऐसे जब थर्ड वाले का बनाएंगे, थर्ड वाले में कौन कौन सा फोर्स आएगा, थर्ड वाले में T3 इधर है और T2 फोर्स इस पे भी लगेगा, किधर को लगेगा, ऐसे खींचेगा पीछे, तो T3 इधर को लगेगा, सॉरी हाँ T2 है। अब आते हैं इस पे, अगर हम इसका बनाए फ्री बॉडी डायग्राम चौथे का, तो भाई इस पे तो फोर्स एफ लग रहा है, इधर को फोर्स एफ लग रहा है, और पीछे की तरफ को T3 लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसपे जो है फोर्स T3 पीछे लग रहा है और एम जो है आपका एफ जो है आगे लग रहा है। तो हमने सबके फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। ठीक है, अब इनकी जो है इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, एफ इक्वल टू MA वाली। तो एक चीज बताओ मुझे कि जब ये मूव करेंगे तो सबकी क्या स्पीड अलग अलग होगी या डिफरेंट होगी या सेम होगी, अगर आप इसको खींचते हुए ले जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी सबकी, सबकी सेम रहेगी। अगर आप आराम से खींचते जा रहे हो तो स्पीड हमारी सबकी क्या होगी, सब बराबर बराबर आगे मूव करेंगे, सबकी स्पीड सेम है, तो सबका यू सेम है। और किसी और टाइम पे आपसे पूछूं मान लो 5 सेकंड बाद, तब भी स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम होगी, है ना। मतलब अभी जो स्पीड है मान लो कुछ है, बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड सबकी क्या होगी, सेम रहेगी। मान लो अभी 2 मीटर पर सेकंड है, बाद में सबकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड सबकी सेम है, हमेशा सेम है। तो यू हमारा सेम है सबका, वी हमारा सेम है, तो ए भी सेम होगा, क्योंकि वी माइनस यू बाय टी तो ए होता है। तो हमारा एक्सेलेशन क्या होगा, सारे ब्लॉकों का सेम होगा। तो यहाँ पे हम एक्सेलेशन लिखेंगे सबका, वो सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलेशन किधर को होगा, इसका इधर को होगा, इसका भी इधर को होगा, इधर को मूव कर रहा है ये होगा और इसका इधर को होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेलेशन आ गया, राइट। अब हमें इक्वेशन लिखनी है वन बाय वन। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका मास एम है तो इक्वेशन क्या आएगी, एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे तो T1 इक्वल टू MA, ये इक्वेशन आई।
टी वन इक्वल टू एम ए पहली इक्वेशन है, तो टी वन की वैल्यू आ गई यहां से। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर को है, तो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू एम ए लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन। अब टी वन क्या है यहाँ पे, टी वन हमारा जो है वो एम ए है ना, ये टी टू मामा है, टी टू मामा है ना, टी टू है, टी वन हमारा एम ए है, यहाँ जाके प्लस एम ए हो जाएगा, तो टी टू हमारा जो है वो हो जाएगा एम ए प्लस टी वन विच इज इक्वल टू, ये मिट क्यों रहा है, एम ए प्लस टी वन होगा तो एम ए प्लस एम ए आ जाएगा, यानी टू एम ए आ जाएगा, ठीक है, डबल एम ए है ये, डबल बोलते हैं डबल एम ए पास है ये, तो ये जो है टू एम ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है, टू एम ए। अच्छा अब निकालते हैं टी थ्री की वैल्यू, टी टू तो आ गया टू एम ए, टी थ्री कितना आएगा, टी थ्री यहाँ पे लिखेंगे तो ये फोर्स एक ए इधर को है, टी थ्री इधर को है, टी टू इधर को है, तो टी थ्री माइनस टी टू इक्वल टू एम ए लिखेंगे, और टी थ्री की वैल्यू चाहिए हमें, तो टी थ्री की वैल्यू हो जाएगी टी टू इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस एम ए, और भाई ये टी टू कितना था यहाँ पे, टी टू था टू एम ए, टी टू मामा टू एम ए थे, तो टी थ्री मामा कितने एम ए हो जाएंगे, टी थ्री मामा हो जाएंगे थ्री एम ए, तो ये ट्रिपल एम ए हो गया, क्या बात है ना, बोलते ना बेटा जो है मान लो पिताजी डबल एम ए पढ़े थे, ट्रिपल एम ए पढ़ गया इसका, तो ये टी थ्री आपका कितना हो गया, ट्रिपल एम ए हो गया, राइट। अच्छा अब आते हैं टी फोर, टी फोर तो है नहीं हमारा, एफ है, तो सीधा, तो एफ कितना हो जाएगा हमारा, एफ माइनस टी थ्री इक्वल टू, एफ माइनस टी थ्री इक्वल टू कितना हुआ एम ए, तो यहां से क्या निकल के आएगा, टी थ्री की वैल्यू थ्री एम ए है, तो एफ कितना आ गया आपका फोर एम ए, एफ आ गया फोर एम ए, लेकिन एफ तो आपको दिया हुआ था, तो यहां से बेसिकली आपका एफ इक्वल टू फोर एम ए आया, ठीक है, या आप एफ आपका फोर एम ए आया, तो यहां से बेसिकली क्या निकला हमारा, हमारा जो है ए का वैल्यू निकला है, ये एफ नहीं निकला, एफ तो हमें पता ही था, ए का वैल्यू यहां से निकल गया, देखो यहां से, तो ए का वैल्यू क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या आया, एफ बाय फोर एम, एफ बाय फोर एम हमारा ए का वैल्यू आ गया, तो ए का वैल्यू हमारा एफ बाय फोर एम आया। अब हमें क्या निकालना है यहां पे, हमें निकालना है टी वन टी टू टी थ्री, टी वन क्या है एम ए है, ए आपको पता चल गया, तो टी वन कितना हो गया भाई, टी वन है एम ए, तो एम ए मतलब एम इंटू एफ बाय फोर एम, तो एफ बाय फोर एम करेंगे तो भाई एम से एम कटेगा तो एफ बाय फोर, तो टी का वैल्यू कितना आया, टी वन आ गया एफ बाय फोर, ठीक है जी। अब आते हैं टी टू, टी टू कितना है, T2 है 2m ए, तो इसका डबल कर लो 2m ए करोगे तो कितना आएगा 2f by 4, 2f by 4 का मतलब हो जाएगा ये f by 2, f by 2 हो गया ये, T3 निकालोगे तो 3m ए है, 3m मतलब इसका 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करेंगे तो 3f by 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई तीनों की, T1, T2, T3 तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर हमें ये निकालना है, ए हमारा निकला हुआ है, ठीक है, ए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट करना हो थोड़ा, तो ए डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, सब मास को एक साथ ले लो क्योंकि सारे मास साथ में मूव कर रहे हैं, तो f इक्वल टू एम ए करो, वहां से हमारा f इक्वल टू फोर एम आ जाएगा, क्योंकि चार एम है ना, ये चार एम ए आएगा, तो f आपका a आपका f बाय फोर एम आ जाएगा, लेकिन आपको फिर टी वन टी टू निकालने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका वैसे और भी शॉर्ट हो सकता है एक तरीका भी, लेकिन वो फिर कॉम्पिटिशन में काम आता है, यहाँ पे भी इतना ही आप बेसिक से करोगे तो बेटर रहेगा स्कूल में, ठीक है, अभी जो है ज्यादा हम लोग पर नहीं खोलेंगे, राइट, ठीक है, ये डन है आपका, क्लियर हुआ ब्लॉक वाला कैसे करना है। एक और क्वेश्चन आया ब्लॉक वाला, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पुल्स टू मासेस 10 केजी एंड 20 केजी, दो मास है, 10 केजी का है एक 20 केजी का है, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रहा है जो इसको पुल कर रहा है, यानी खींच रहा है, पुल ही करेगा ऑब्वियसली, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन की बात नहीं है अभी, कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको बताना है स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, और फोर्स कितना लग रहा है आपका 500 न्यूटन, तो हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, और क्या ये आंसर आपका डिपेंड करेगा कि मैं कहां से फोर्स लगाऊं, कहां से फोर्स लगाऊं, क्या इस पर डिपेंड करेगा, तो दोनों पे निकाल के देख लेते हैं एक बार फोर्स यहां से लगा के देखते हैं, कहां से लगाएं, पहले यहां से लगा लें, चलो यहां से लगाते हैं, अगर मैं इसको फोर्स एफ मान लूं और मेरे को टेंशन निकालनी है, तो टेंशन क्या होगी यहां पे, इधर को टी इधर को लगेगी और इस पर टी पीछे को लगेगी फ्री बॉडी डायग्राम से, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो क्या आएगा, 10 इक्वल टू टी इक्वल टू 10 इंटू ए, इसके लिए तो ये बनेगा, अगर मैं एक्सेलरेशन ए मान लूं, इसके लिए क्या बनेगा, एफ माइनस टी इक्वल टू 20 ए, एफ माइनस टी इक्वल टू 20 ए, ठीक है, इसके लिए बनाया मैंने एफ माइनस टी इक्वल टू 20 ए, राइट, तो ये आया। अब इसमें अगर मैं टी की वैल्यू पुट करूं यहां पे, तो मेरा ए का ए निकालना है मान लो मुझे, तो एक, या फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूं, ऐड करूंगा दोनों को तो क्या आएगा, ऐड करूंगा तो ये टी से टी कट जाएगा और आपका आ जाएगा एफ इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर वन थी, ये टू थी,
एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ 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 इक्वल टू 30A। तो एफ हमारा 30A आया, हमारे पास एफ की वैल्यू पता है हमें 500 है, तो बाय 30 करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 50/3। तो ए हमारा जो है यहाँ पे कितना आ रहा है 50/3, लेकिन हमें शायद ए नहीं निकालना, हमें टी निकालना है। तो टी निकालना है, टी हमारा कितना है 10A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी इक्वल टू 10 × 50/3 यानी कि 500/3 न्यूटन। तो 500/3 यानी कि लगभग 166 न्यूटन की तरफ फोर्स आ रहा है हमारा इस वाले केस में। अगर आप इससे निकालोगे तब भी वैल्यू यही आएगी आपकी, किसी भी क्वेश्चन से निकाल लो वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। अच्छा अब देखते हैं, अगर हम फोर्स को घुमा दें, अगर एक भाई बोला नहीं मैं तो इधर से खींचूंगा, एक भाई आके बोला कि नहीं भाई मैं तो यहां से करूंगा, मैं नहीं मानता। होते ना क्लास में एक आधा बच्चा कोई ऐसा होता है कि जो सब लोग बोल रहे थे उससे उल्टा होता है, तो ये उल्टा वाला भाई है, बोला नहीं मैं तो भाई यूं करूंगा, ठीक है तो ये यूं करेगा, कर भाई देख तेरा तेरा क्या फर्क पड़ता, तेरे में पड़ता है नहीं पड़ता, कितना फर्क पड़ता है। तो करा भाई ने, तो भाई ने क्या किया फोर्स यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। अब इसमें टेंशन डेवलप हुई, तो मान लो टेंशन टी डैश मान लेते हैं, हो सकता है सेम आ जाए हो सकता है ना भी आए, तो निकालते हैं इस बार क्या होगा, एक्सेलरेशन इधर को हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इस वाले के लिए लिखेंगे टी डैश इक्वल टू 20A, इस पे केवल टी डैश फोर्स लग रहा है और तो कोई लग नहीं रहा। इस वाले पे क्या लिखेंगे 500 इधर को है फोर्स, टी डैश इधर को है तो माइनस टी डैश करेंगे, ए क्योंकि इधर को है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने 500 माइनस टी डैश लिखा, मैंने टी डैश माइनस 500 नहीं लिखा, इक्वल टू क्या होना चाहिए 10A। तो ये दो इक्वेशन बनी हमारी, दोनों को फिर दोबारा ऐड कर लो, ऐड करोगे तो टी से टी कर, या टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 20A आ गया यहाँ पे। तो 500 माइनस 20A इक्वल टू 10A आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन थी, इक्वेशन नंबर टू थी, इसका यूज करके ये आया 30A इक्वल टू 500 आया। तो भाई ए तो सेम आ रहा है, ए तो हमारा 50/3 ही आ रहा है, तो भाई ए तो सेम है, ए तो सेम है, लेकिन अभी खुश मत होना, अभी देखते हैं टेंशन सेम आती है नहीं आती, टेंशन निकालते हैं। टेंशन क्या हमारी इस बार, इस बार हमारी टेंशन 20A है। ओहो, तो दिस इंप्लाइज दैट टी डैश इक्वल टू 20A इक्वल टू 20 × 50/3, तो भाई कितनी हो गई 1000 हो गई, 1000/3 न्यूटन। तो टेंशन जो हमारी है टी डैश जो है वो कितनी हो गई हमारी 1000/3 न्यूटन, और यहाँ पे कितनी ऐड दी 500/3 न्यूटन, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो गई ज्यादा हो गई। तो इस भाई ने जो फोर्स लगाया उससे टेंशन ज्यादा हो गई, रस्सी टूट भी सकती है ना, टूट भी सकती है, तो भाई जरा संभल के है ना। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है दोनों केस में, ध्यान रखेंगे कि जहां से हम फोर्स लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने फोर्स किस तरफ से लगाई है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन्होंने भी सॉल्व किया, इनका आंसर जो पहला आया था वही 166 आया था, वो 500/3 166 आया था हमारा भी, और दूसरे वाले में इनका आ रहा है ये डबल आ रहा है वही है ना 1000/3, तो डिपेंड कर रहा है, राइट, इट डिपेंड्स राइट। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस बार 10 किलो और 20 किलो के मास हैं और इन पे फोर्स 600 न्यूटन लगाया है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केसेस। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, इस बार फोर्स जो है 600 है, सब लोग ट्राई करेंगे और फिर निकाल के, या तो पॉज करके अभी निकाल लो तो बेस्ट है, ठीक है। आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप आंसर भी मैच कर सकते हो बाद में, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना भाई, यहाँ पे बिल्कुल आलसी बन के काम नहीं चलेगा है ना। कई बच्चे आते हैं यहाँ पे वीडियो देखते हैं आराम से, बढ़िया हाँ सर बढ़िया, मस्त पढ़ा रहे मस्त पढ़ा रहे। अगर भाई तुम्हें करना है पेपर में, मुझे नहीं करना, पेपर मैं दे चुका हूँ, मैं 20 साल पहले पेपर दे चुका हूँ ना, 22 कितने साल हो गए है ना, टाइम हो गया दिए हुए पेपर, तो हमें नहीं देना पेपर, तुम्हें देना है, ठीक है। तो तुम्हें तैयारी करनी है यहाँ पे, मुझे नहीं करनी है ना, मैं पढ़ चुका हूँ बहुत, फिजिक्स जितनी पढ़नी थी मैंने पढ़ ली, ठीक है, अभी भी पढ़ता रहता हूँ मैं, तो पढ़ लो, इसलिए खुद क्वेश्चन क्वेश्चन जो है खुद करना है आपको खुद। टू ब्लॉक ऑफ मास M1 M2 कलेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल टेबल पे इनको रखा, दो ब्लॉक हैं आपके और दोनों क्या है स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, M1 एक का मास है, एक का मास M2 है भाई, दोनों को एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, दोनों को खींचा गया और छोड़ दिया गया, तो छोड़े खींचेंगे तो क्या होगा, मान लो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, आपने दोनों को खींचा तो ये स्प्रिंग खींच जाएगा ऐसे, आपको टेंशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे जो है काम आएगा, जो आपने भी पढ़ा है ना स्प्रिंग वाला यहाँ पे काम आएगा। तो स्प्रिंग आपने खींच दिया तो क्या हुआ, ऐसा हो गया ये, तो आपने खींच दिया तो मास आर पुल्ड एंड रिलीज, उसके बाद छोड़ दिया, आपको प्रूव करना है कि इनका जो रेशो होगा एक्सेलेशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होगा, यानी एक्सेलेशन दोनों का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मासेस, मतलब अलग अलग एक्सेलेशन है। तो मान लो इसका एक्सेलेशन इधर को A1 है और इधर को A2 है, तो वी नीड टू प्रूव दैट कि जिनको एक्सेलेशन का जो रेशो होगा वो इनवर्स टू द मास होगा, यानी A1 यहां है तो यहां M2 आएगा और यहां M1, ये हमें प्रूव करना है।
कि ऐसा होगा। कैसा क्वेश्चन लग रहा है? टफ लग रहा है? इसमें भी खराब सा लग रहा है, टफ सा लग रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, सोचो। स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो होता है या धागा होता है दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाता है, आपको बताया दोनों तरफ से फोर्स क्या लगाता है, सेम, यानी जो फोर्स हो यहां लगा रहा है, स्प्रिंग खींचा हुआ है तो ये क्या करेगा, खींचा हुआ जब तो इधर को खींचेगा, अगर आप इसको प्रेस करते तो क्या करता है, दोनों तरफ धक्का मारता, इधर भी धक्का मारता, इधर भी धक्का मारता, लेकिन आपने क्या किया, इसको खींचा हुआ है, खींचा हुआ है तो इधर को फोर्स अपनी तरफ को लगाएगा, दोनों साइड से क्या करेगा, अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा, ठीक है, अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा, दोनों तरफ इसके फोर्स बराबर होंगे, तो फोर्स इसके क्या होंगे, दोनों तरफ बराबर होंगे, इक्वल फोर्स होंगे, यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो फोर्स ये वाला और ये वाला बराबर होगा, बस हो गया काम हमारा, अगर फोर्स बराबर है तो वी कैन राइट दैट एफ इक्वल टू एम वन ए वन, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम टू ए टू, तो भाई दोनों फोर्स बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग वन एंड टू, वन और टू को इक्वेट कर लो, बस हो गया काम खत्म। हाँ सर खत्म, भाई कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोर्ड के क्वेश्चन में तो वैसे कुछ नहीं होता, एम वन ए वन इक्वल टू एम टू ए टू, बस हो गया यहां से, क्या प्रूव करना है आपको, ए वन बाई ए टू की वैल्यू निकालनी है, तो ए वन बाई ए टू आ गया आपका, ए वन बाई ए टू करोगे तो एम टू बाई एम वन आ ही नहीं आएगा, ये लो खत्म हो गया, बस डन, ये तो था, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, डन, ठीक है, चलो इन्होंने क्या किया हुआ, ऐसे कुछ किया हुआ इन्होंने भी, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन एक आया, ठीक है, काफी टाइम से हमारे टाइम पे भी था, जब हम पढ़ते थे 2001 में तब भी ये क्वेश्चन था, आज भी ये क्वेश्चन है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 10 1 rupees कॉइन आर पुट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर द टेबल, ईच कॉइन हैज अ मास ऑफ एम के जी, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कॉइन, सेवंथ कॉइन फ्रॉम द बॉटम, ड्यू टू ऑल कॉइन अबव इट, फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बट दिस रिलेशन ऑफ सिक्स कॉइन, हाँ, बड़ा मुश्किल है ना, कॉइन पे कॉइन रखा हुआ, क्या बात है, 10 1 rupees कॉइन, तो शुक्र है अभी क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि 1 rupees के कॉइन अभी चल रहे हैं, बंद होते होते हमारे टाइम पे 25 पैसे के कॉइन, 10 पैसे के कॉइन इनफैक्ट चलते थे, आपके टाइम पे तो बंद हो चुके हैं, हो सकता है ये कुछ साल बाद क्वेश्चन चेंज हो जाए, फिर बोले 5 rupees का कॉइन या फिर 10 rupees का कॉइन बोल दे कि 10 rupees कॉइन आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर, ठीक है, तो अभी जो है 1 rupees का कॉइन चल रहा है तो क्वेश्चन भी चल जाएगा, तो भाई 10 कॉइन आपके रखे हुए, एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए है ना, 10 कॉइन रखे हुए, ईच कॉइन हैज मास एम के जी, सबका मास कितना है, एम 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 एम, ठीक है, एम है, आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन, हमें बॉटम से कॉइन अगर हम कॉइन काउंट करें 1 2 3 4 करके, तो सातवें कॉइन पे फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन ड्यू टू ऑल कॉइन अबव इट, इसके ऊपर जो भी कॉइन रखे हुए उनके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा सातवें कॉइन पे, और फिर बताना हमें फोर्स ऑन सेवंथ कॉइन बाय आठवें कॉइन कितना फोर्स लगाएगा, और रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवंथ कॉइन, तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है, कंसेप्चुअली अगर करोगे तभी कर पाओगे, देखो ये कह रहा है फोर्स ऑन द सेवंथ, पहले ए पार्ट देखते हैं, केवल फोकस एक जगह फोकस करते हैं, सेवंथ कॉइन पे ऑल कॉइन अबव इट कितना फोर्स लगाएंगे, तो मान लो ये सेवंथ कॉइन है, इसके ऊपर कितने कॉइन है, 3 कॉइन और है, तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, मान लो तीनों का मास कितना हो जाएगा 3m, और इसके नीचे कितने कॉइन होंगे 6 कॉइन होंगे, ये कंडीशन है, ठीक है, ये सेवंथ कॉइन है, अब फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन ड्यू टू ऑल कॉइन अबव इट, इसके ऊपर जो भी कॉइन है उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ओके 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 ओके, ठीक है, ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देखो हम एक काम करते हैं, हम लोग ना हम लोग ना इस पे फोर्स निकालते हैं कि इन तीन कॉइन पे ये वाला कॉइन कितना फोर्स लगा रहा है, अगर हमने इन तीन कॉइन पे फोर्स निकाल लिया कितना लगा रहा है कॉइन, तो ये कॉइन इस पे कितना लगा रहा है वो भी आ जाएगा, वो भी आएगा, एक ही तो बात है, एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, तो जितना फोर्स सेवन वाला थ्री पे लगा रहा होगा उतना ही थ्री वाला सेवन पे, ये तीनों कॉइन सेवन पे लगा रहे होंगे, तो उसने क्या बोला था, फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय द ऑल कॉइन अबव इट, तो मैं क्या निकाल लूं, फोर्स ऑन द थ्री कॉइन बाय द सेवंथ कॉइन, तो सेवंथ कॉइन जो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा कि कॉन्टेक्ट में ना आपस में, तो कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो ऊपर को लगेगा, उसके अलावा इन तीन कॉइन पे कौन सा फोर्स लगेगा, एमजी नीचे लगेगा 3mg, तो ये फोर्स लग रहा है इन तीनों कॉइन पे, तो एन एंड 3mg, और कोई फोर्स लग रहा है,
और तो कोई फोर्स नहीं है कॉइन को, अगर मैं देखूं तीनों को तो ये एक तो ग्रेविटी लगा रही है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो टच में है वो सेवंथ कॉइन से टच में है, तो सेवंथ कॉइन फोर्स लगा रहा है एन। बाकी जो फोर्स है वो तो इसके इंटरनल फोर्स होंगे आपस में, जो टेंथ वाला इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा, तो इंटरनल है, लेकिन बाहर से केवल दो फोर्स लग रहे हैं। और एक कॉइन रुके हुए हैं, रुके मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब एन इक्वल टू 3 mg, यानी जो सेवंथ कॉइन फोर्स लगा रहा है एन मतलब 3 mg, मतलब ये वाला कॉइन इस पे इतना लगा रहा है तो ये भी इस पे इतना ही लगा रहा होगा एन, ये तीनों कॉइन भी कितना लगा रहे होंगे, 3 mg फोर्स नीचे लगा रहे होंगे। ठीक है, डन, ओके। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय एट कॉइन, फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय एट कॉइन पूछ रहा है इस बार। तो भाई ये सेवंथ कॉइन है मान लो और ये एट कॉइन है, अब ये बोल रहा है कि ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा। वैसे तो फोर्स जो है बराबर ही लगा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ये सेवंथ और एट के बीच में ही तो लग रही है, फोर्स तो बराबर होगा, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो मान लो एट कॉइन है सेवंथ कॉइन है, अब मान लो सेवन वाला इस पे फोर्स लगा रहा है कुछ, तो उतना ही इस पे लगा रहा होगा एन डैश, मान लेता हूं मैं भी, मान लेता हूं कि बराबर नहीं है। ठीक है, अब एट्थ वाले की कंडीशन देखते हैं, एट्थ वाले के ऊपर भाई दो और माले हैं, दो और बिल्डिंग है इसके ऊपर, वो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, वो कितना लगा रहे होंगे, मान लो इस पे फोर्स जो लगा रहे हैं वो नीचे की तरफ, वो एन डबल डैश लगा रहे हैं, तो ये एन डबल डैश इन पे लगा रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे एन डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इन दोनों कॉइन को देखूं तो इन दोनों कॉइन पे एट्थ वाला कॉइन एन डबल डैश लगा रहा है, हम लोग बॉटम से पॉइंट कर रहे हैं ना, हाँ तो बॉटम से एट हुआ, ठीक है, उसके ऊपर दो और होंगे, तो ये एट्थ वाला कॉइन इन दोनों कॉइन पे एन डबल डैश लगा रहा है, उसके अलावा इन दोनों कॉइन पे कोई और फोर्स है, हाँ एक और फोर्स है एम जी के बराबर, यानी 2 mg के बराबर, यानी एन डैश जो होगा वो 2 mg के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुई कि एट्थ वाले कॉइन जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो 2 mg के बराबर लगा रहा है, या फिर ये दोनों कॉइन जो इस पे लगा रहे हैं फोर्स मिला के वो 2 mg के बराबर लगा रहे हैं। अब एट्थ कॉइन को देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, एक बार दोबारा देख लो अगर क्लियर नहीं है घूम के रिपीट करके। अब एट्थ वाले कॉइन की कंडीशन देखो, एट्थ वाले कॉइन पे ऊपर से ये लग रहा है एन डबल डैश जो कि 2 mg के बराबर है, और नीचे से क्या लग रहा है एन डैश जो कौन लगा रहा है, सेवंथ वाला कॉइन लगा रहा है, उसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी लगा रही है mg, ये फोर्स लगा रही है। अब अगर मैं देखूं उसका नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि रुका हुआ है, तो इस पे दो फोर्स नीचे हैं एक फोर्स ऊपर है, तो ये फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, यानी यानी कि एन डैश किसके बराबर होगा, एम जी प्लस 2 mg यानी कि 3 mg, तो भाई एन डैश जो है 3 mg के बराबर आ रहा है, 3 mg है ना, मिलीग्राम आ रहा है, मिलीग्राम नहीं एमजी है, तो ये फोर्स जो है एन डैश एमजी, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही है, यानी सेवंथ एट पे जो लगा रहा है या फिर ऊपर वाले तीन कॉइन जो लगा रहे हैं वो फोर्स सेम ही है, बस वो लगा कैसे रहे हैं ऊपर वाले तीन कॉइन ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, अगर आप वन बाय वन देखोगे तो ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे हमने तीनों को एक साथ ले लिया तो डायरेक्ट निकाल लिया। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवंथ कॉइन, सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में रिएक्शन पूछ रहा है, और काउंट हम लोग नीचे से कर रहे हैं, हमें याद रखना है नीचे से हम लोग काउंट कर रहे हैं, सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स्थ और सेवंथ, लेट अस से सिक्स्थ और सेवंथ की अगर हम बात करें, मतलब सिक्स का मतलब क्या हुआ कि सिक्स अगर ये है नीचे से काउंट करके तो उसके ऊपर कितने होंगे, सेवन होगा फिर, और फिर ऊपर तीन और भाई होंगे, तीन और माले होंगे है ना, तो तीन और माले हैं यहाँ पे हमारे, तीनों का मास कितना हो जाएगा एम जी, 3 mg, तीनों का मास कितना हो जाएगा 3 mg हो जाएगा हमारा। अब हमें चाहिए इनके बीच में रिएक्शन सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग अगर चारों को भी साथ में ले लें तो और इजी हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले इसका फोर्स निकाल लो नॉर्मल रिएक्शन इसके बीच में, फिर इसके बीच में कुछ मानोगे, फिर इसको इसका फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करोगे जैसे हमने पीछे किया है तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ मैं इन चारों को एक साथ मान लेता हूँ, चारों को अगर मैं एक साथ मानू तो 4 mg है, और सिक्स्थ वाला ये है हमारा सिक्स्थ कॉइन, ये mg है ना, अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ आर, और ये इस पे ऊपर लगा रहा होगा आर, ठीक है, ये कौन लगा रहा है सिक्स्थ वाला लगा रहा है सेवंथ पे, और ये सेवंथ वाला लगा रहा है सिक्स्थ पे, ठीक है महाराज। अब जो है आर इसका अगर मैं देखूं इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 4 mg नीचे लग रहा है और आर लग रहा है बस यही फोर्स है, तो यानी आर इक्वल टू 4 mg है, यानी कि आर हमारा 4 mg है, यानी कि जो इस पे फोर्स ऊपर को लग रहा है वो 4 mg लग रहा है, तो ये वाला कॉइन इस पे नीचे कितना लगाएगा वो भी 4 mg लगाएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 4 mg आ जाएगा, खत्म डन हो तो गया, 4 mg आंसर आ जाएगा। ठीक है एक बार चेक कर लें,
तो ये 3 mg और 4 mg, यहाँ पे -4 mg बोल रहा है क्योंकि ये डायरेक्शन की बात कर रहा है एक्चुअली मेरे ख्याल से। तो उसने बोला था कि हमारा अगर फोर्स देखें तो किसका पूछा उसने, उसने बोला है रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ पॉइंट ऑन द सेवंथ, सिक्स्थ की सेवंथ पे पूछा है। तो सिक्स्थ वाला सेवंथ पे जो फोर्स लगाएगा, रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ पूछा है या ऑन द सिक्स्थ, ऑफ द सिक्स्थ ऑन द सेवंथ, सिक्स्थ ऑन द सेवंथ जो लगाएगा ऊपर को लगाएगा ऑब्वियसली सिक्स्थ ऑन द सेवंथ, तो उसको माइनस मान रही है, नेगेटिव शोज हैं तो वर्टिकल, अच्छा अपवर्ड को माइनस मानना ठीक है, अपवर्ड बोल सकते हो आप कि 4 mg अपवर्ड बोल सकते हैं हम लोग है ना, और बाकी क्या थे हमारे 3 mg डाउनवर्ड थे, बाकी दो डाउनवर्ड थे क्या, बाकी दो में क्या पूछा था ये, बाकी दो में इसने पूछा था फोर्स ऑन द सेवंथ पॉइंट बाय अबव, तो ऊपर वाले तो नीचे को ही लगाएंगे, एट्थ वाला भी नीचे को लगाएगा, हाँ तो दो नीचे थे एक ऊपर थे, चलो ना प्लस माइनस ले लिया, लेकिन बेटर है कि आप ये लिखो कि अप या डाउन ठीक है, प्लस माइनस तो हमें नहीं पता ना, प्लस किसको मानना है माइनस किसको मानना है, तो आप ये लिख दो कि इसका जो फोर्स है ये डाउनवर्ड है जिसको प्रेस कर रहे हैं, और वो जो फोर्स है वो अपवर्ड है, राइट डन ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा यूज पता चल रहा हो कैसे कैसे हम लोग करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते बच्चे ना, डायरेक्ट कर देते हैं कि सर ये 4 mg ये इतने कॉइन है ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन फिर आप ना फंस जाते हो जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आप लोग फंसने शुरू हो जाते हो, जो लोग कॉम्पिटिशन में जाते हैं IIT नीट में जाते हैं वहां पे फंसना शुरू हो जाते हैं फिर, इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, देखो एक हेलीकॉप्टर है मास का 1000 किलोग्राम है और ये राइज कर रहा है विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 m/s², क्रू एंड द पैसेंजर वेज 300 किलो, इस पे जो क्रू है मेंबर हैं जो उसकी और पैसेंजर जो है वो सब मिला के, जो ड्राइवर मतलब है उसका ड्राइवर नहीं होता है वो हेलीकॉप्टर का पायलट होता है सॉरी जो है 300 किलोग्राम सबका वेट मिला के, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू, एक्शन ऑन द रोटार ऑन द हेलीकॉप्टर, फोर्स ऑन द दिस एंड, तो सारा जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसको समझने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, मान लो हेलीकॉप्टर बनाएंगे पहले तो हम, टें 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 हेलीकॉप्टर कैसे होता है, हेलीकॉप्टर ऐसे होता है पता नहीं यार, ऐसे कोई हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर बन गया जहाज बन गया, तो इसके ऊपर पंखड़ी लगाए थे, टें टें मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब है ना, चलो जो भी है, तो ये बन गया अमेरिका का जो है ना वो जहाज उठाने वाला, कौन सा है वो जहाज को ले आता उठा के, वो है ये ठीक है, तो हेलीकॉप्टर बन गया हमारा, उसमें दो होते हैं वैसे उड़ने वाले वो, एनीवे तो उसका मास कितना है भाई, मास का 1000 किलोग्राम है और इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो 300 किलोग्राम है, इसके अंदर लोग जो बैठे हुए हैं उनका वेट कितना है 300 किलोग्राम, तो स्मॉल एम मान लेते हैं उसे, ये है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लोर, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है वर्टिकली, ये ऊपर को एक्सेलेट कर रहा है 15 m/s² से, तो आपको बताना है इस पे कि फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू कितना लगा रहे होंगे ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ द रोटार ऑन द हेलीकॉप्टर बाय सराउंडिंग एयर, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर कितना कितना होगा, तो भाई सबको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचना है, देखो क्रू बैठा हुआ है हेलीकॉप्टर के अंदर ठीक है, बैठा हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर, मैंने खड़ा बना दिया लेकिन बैठा हुआ है मान लो ठीक है, अभी बैठा हुआ है और हेलीकॉप्टर ऊपर को एक्सीलरेट हो रहा है 15 m/s² से, आपको बताना है क्रू इस पे कितना फोर्स हेलीकॉप्टर को लगा रहा है या पुश कर रहा है उसके फ्लोर को, ये लिखा ना यहाँ पे फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू पैसेंजर, की क्रू पैसेंजर जो है फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हमें निकालना है, तो यार ये केस वैसे ही नहीं होगा लिफ्ट वाले की तरह, जैसे लिफ्ट ऊपर को एक्सीलरेट करती है तो वो वाला केस नहीं हो गया ये, तो लिफ्ट उस पर कितना फोर्स लगाती है आदमी पे उतना ही वो आदमी लगाता है लिफ्ट पे नॉर्मल रिएक्शन, तो वही हो गया, आप चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लो है ना, इसका जो मास होगा इसका जो मास होगा नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, क्रू का मास नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, वेट जो है कितना होगा इसका वेट 300 g, इसमें केवल क्रू का वेट लेंगे हेलीकॉप्टर का मत लेना, क्योंकि क्रू का पूछ रहे हैं जो उसके अंदर लोग बैठे हुए वो कितना फोर्स लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर के फर्श पे, हेलीकॉप्टर तो लगाएगा नहीं अपने फर्श पे फोर्स, जो लोग बैठे हुए तो लोगों का मास लिया मैंने, ये लिया ये नीचे की तरफ है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी आदमियों पे ऊपर की तरफ लग रही होगी, तो इन दोनों के कारण ये लोग क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ को एक्सेलेरेट कर रहे हैं भाई, इनको जो एक्सेलेरेट कौन करा रहा है, फोर्स कौन फोर्स लगा रहा है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कैसे लगा रहा है, फर्श से तो लगा रहा है इनको ऊपर जो उठा रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये फोर्स ज्यादा होगा मतलब ऊपर को एक्सेलेरेट हो रहा है, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, एन माइनस एम जी इक्वल टू 300 a, तो यहां से एन कितना आ गया 300 g+a, देखो वही आ गया लिफ्ट वाला केस, ऊपर को एक्सेलेरेट करती है लिफ्ट, तो वही केस आ गया नहीं आ गया, तो 300 × 9.8 + 15 कर लो, 10 ले लेना चाहिए था तो यार इजी हो जाता, पर चलो ठीक है, 15 और 9 कितना होता है 24.8, 24.8 × 300, 300
300 करेंगे तो एक जीरो से तो ये उड़ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 हासिल 2 4 3 12 और 2 8 3 24 हासिल 2 4 3 12 और 2 14 हासिल 1 3 2 6 और 1 744 और एक जीरो और आएगा साथ में, ये वाला जीरो बचा था न्यूटन। तो भाई ये फोर्स लगा रहे हैं, क्रू मेंबर लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे या फिर हेलीकॉप्टर का फर्श लगा रहे हैं क्रू मेंबर पे, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस निकल के आया। अगला बोल रहा है कि वो एक्शन ऑफ रोटर ऑन द ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, जो इसकी पंखुड़ी है वो सराउंडिंग एयर पे कितना फोर्स लगा रही है। और तीसरा बोल रहा है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग एयर हेलीकॉप्टर पे कितना फोर्स लगा रही है। तो मेरे ख्याल से पहला कौन सा निकालना इजी हमारे लिए, पहला हमारे लिए है निकालना इजी सी वाला। देखो अगर मैं सी निकाल लिया कि फोर्स हेलीकॉप्टर कितना फोर्स लगा रहा है एयर पे, जितना फोर्स हेलीकॉप्टर एयर पे लगा रहा होगा उतना ही एयर उस पर लगा रही होगी ऊपर को, भाई एयर को नीचे धकेल रहा होगा, एयर उसे ऊपर को धकेल रही होगी, तो बराबर होंगे, यानी बी और सी का आंसर बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा बस, ठीक है। तो हम सी वाला सोचते हैं, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, हेलीकॉप्टर पे सराउंडिंग एयर कितना फोर्स लगा रही है। तो अगर हम पूरे हेलीकॉप्टर को एक साथ ले लें, इस पूरे हेलीकॉप्टर को एक साथ ले लें, तो इसमें सराउंडिंग एयर कितना फोर्स लगा रही होगी। तो देखो इस पे फोर्स मान लो एफ लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है हेलीकॉप्टर पे, फोर्स एक तो एफ है, उसके अलावा और क्या फोर्स है, ग्रेविटी होगा एक, दो ही फोर्स होंगे या कोई और भी होगा। भाई अगर मैं पूरे हेलीकॉप्टर को ले लूं तो बाकी फोर्स तो कोई है नहीं, बाकी जो इंटरनल फोर्स है, मान लो क्रू हेलीकॉप्टर पे लगा रहा है, हेलीकॉप्टर क्रू पे लगा रहा है, तो इंटरनल फोर्स है। जो बाहर से फोर्स लग रहे हैं वो दो लग रहे हैं, एक तो अर्थ लगा रही है और एक एयर लगा रही है, दोनों फोर्स आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर को, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, एयर का या अर्थ का, ये ऊपर को एक्सीलरेट कर रहा है तो एयर का फोर्स ज्यादा होगा, यानी एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे एम जो आएगा वो एम प्लस एम आएगा दोनों जगह, यहाँ पे भी एम प्लस एम कर लो और यहाँ पे भी एम प्लस एम ए कर लो, क्योंकि पूरे हेलीकॉप्टर को एक साथ ले रहे हो आप। तो एफ कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ इक्वल टू एम प्लस एम जी प्लस ए। तो इसमें भी हमें g प्लस ए करना है, लेकिन इस बार जो मास है वो पूरा लेना है, यानी 1300 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 1000 वो है 300 हुआ है तो 1300 हो गया, ठीक है। और g प्लस ए कितना हो गया 9.8, इसको सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं एक बार, पॉइंट को हटाते हैं यहाँ पे, एक जीरो रह जाएगा फालतू, 98 की 13 से मल्टीप्लाई करनी है, 98 की 13 से मल्टीप्लाई, 3 8 24 हासिल 2 3 27 और 2 29, मेरे को 13 का पाड़ा नहीं था, मैं डायरेक्ट हो जाता 98, ठीक है। 4 9 8 17 का 7 हासिल 1 9 1 10 और 2 12, तो 1274 आ रहा है, कोई जीरो बच रही है क्या, एक जीरो बच रही है, तो 1274 40, यानी 12740 न्यूटन का फोर्स एयर लगा रही है हेलीकॉप्टर पे अपवर्ड, किधर को लगा रही है अपवर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 1270 12740 अपवर्ड, और उसका हो जाएगा तो एयर पे हेलीकॉप्टर एयर पे कितना लगा रहा होगा नीचे की तरफ को, 1240 डाउनवर्ड। तो दोनों आंसर आ गए हमारे, एक में अपवर्ड आ गया और एक में हमारा डाउनवर्ड आ गया, राइट। इसको देख लें एक बार, तो हमारा जो आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है आंसर, ओहो ये तो सही आ रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, पहला आंसर सही आ रहा है हमारा 7500, ये तो सही आ रहा है, जी की वैल्यू 10 ले ली है तो 7500 आ रहा होगा, अच्छा अगर 10 लेंगे तो कितना आएगा ये 2575 100, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला उसने, 1300 ही है ना मास, और g प्लस ए किया तो 13, अच्छा हमने प्लस ए नहीं किया भाई, g प्लस ए भी तो करना था, 15 भी तो ऐड करना था, यहाँ पे 15 ऐड कर लेंगे तो भाई 15 और 10 मान लो तो 25 है, तो 25 × 1300 करना है यहाँ पे, 25 × 1300 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 आ जाएगा 2, 25 × 75 हासिल लगा, 25 × 75 मतलब 5 हासिल लगा 7, 25 × 25 = 7 32, तो 32500, तो 32500 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है जी प्लस ए करेंगे तो, राइट। तो इसका भी आंसर 32500 ही आ रहा था, हाँ ठीक है ना, तो ये एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्चुअली हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस तरह के भी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पिछले वाला वीडियो भी देखना जो हमने किया था पुली वाले लिफ्ट वाले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारे। तो भाई सारे वीडियो अगर आप ऑर्डर में देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सारे वीडियो जो है ऑर्डर में देखें तो आपको ढंग से चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। तो भाई आप लोग लिखिएगा कितनी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलते हैं आप अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर।